starters, I must congratulate. It's your 10th year. मैं यहाँ आई थी 5 साल पहले जब मेरी पहली फिल्म दम लगा के हईशा रिलीज़ हुई थी एंड जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई भी गई थी और वहाँ से मेरी एसोसिएशन जागरण के साथ शुरू हुई है एंड आई फील वेरी प्राउड दैट पैन इंडिया एक इतना सक्सेसफुल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है. आप इतनी फैंटास्टिक फिल्में दिखाते हैं, आप इतने अमेजिंग कॉन्वर्जेशन करते हैं, इतना बड़ी इतने अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट जागरण एंड इयर्स विशिंग यू वेरी मैनी मैनी ईयर्स अहेड. I think it's always good to be appreciated for your work. We all work very hard on our films. We are constantly trying to break barriers, change the language of cinema, try and evolve our talent and the films that we do with changing times. So yeah, it's good to be appreciated. And already wishing all the winners good luck and congratulations. अभी मैं ऑनेस्टली बात करूँगा, मैं राजीव मस्तन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने बहुत इंटरव्यूज़ लोगों के देखे, मैंने 55 साल से इसी लाइन में हूँ, बट हीज इंटरव्यूज़ आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट रिफ्रेशिंग. और जब उन्होंने मुझे कहा कि इस फेस्टिवल में आकर आई हैव टू बी व्हाट आई feel very shy to say that like an icon, I don't think I deserve it, but I'm very very thankful and very grateful for this great honor. Thank you. नहीं, चाहे इस फेस्टिवल से आए और कहीं और से आए, न्यू कमर्स तो आते ही रहेंगे. दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. पुराना जाता रहता है, नया आता रहता है, और नए को प्लेटफॉर्म हमेशा मिलना चाहिए. इसलिए ये जागरण, ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है. इट गिव्स अ गुड प्लेटफॉर्म, गुड प्रोजेक्शन एंड थिंग्स वर्कआउट फॉर यंगस्टर्स हु आर थ्राइविंग टू अचीव समथिंग. मैं जागरण से पुराना नाता है. मैं बनारस और इलाहाबाद गया था अनारकली ऑफ आरा के साथ में, गुड़गांव के साथ में गया था मैं अपना देहरादून. तो पुराना नाता है, बहुत सारे दोस्त हैं जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं. मेरी फिल्में भी 3-4 दिखाई गई हैं जी. नहीं, आने वाली फिल्म्स के बारे में नहीं बताएंगे. बस शुक्रिया इस प्यार और सम्मान के लिए. थैंक यू, थैंक यू. आ जाओ, आ जाओ. नहीं, मैं सिर्फ जागरण को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो रेवोल्यूशन की तरह से उन्हें फिल्म फेस्टिवल में शुरुआत की है. क्योंकि फिल्म फेस्टिवल ज़्यादातर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सिटी तक ही बेस्ड रहते हैं, चाहे हमारा वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, वो गोवा में होता है, या और फिल्म फेस्टिवल हैं बॉम्बे में होते हैं. लेकिन जागरण फिल्म फेस्टिवल इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो अलग तरह के सिनेमा को, ऐसे सिनेमा को जो शायद नॉर्मल थिएटर्स में रिलीज़ नहीं होता है, एंड जागरण टेक्स दोज काइंड ऑफ फिल्म्स टू सिटीज़ लाइक गोरखपुर, सिटीज़ लाइक रांची, कानपुर, यू नो मेरठ, इस तरह के शहरों में जो लोग हैं, जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जो एक्सपोजर वहाँ नहीं मिल पाता, वो जागरण एक बहुत बड़ा काम कर रहा है. मैं सही मायने में कहूँ तो जागरण जो है सही तरीके से सिनेमा की सेवा कर रहा है. मैं तो यही कहूँगा कि जागरण ने जो एक मुहिम चलाई है कि ऐसे शहरों तक, छोटे शहरों तक ऐसी फिल्में लेकर जाना जो थिएटर में रिलीज़ नहीं होती, जो शायद उन उस जो नए कलाकार हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो जागरण वो मौका लेकर आ रहा है. वो ऐसी फिल्में देखें, अपना विजन बढ़ाएँ, एक्सपोजर उनको होता है अलग तरह की सिनेमा का, और फिर अगर वो इस करियर में, इस प्रोफेशन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूर मदद करेगा. मैंने कहा ना कि जागरण जो है वो सिनेमा की सेवा कर रहा है. अब जुड़ना तो मतलब क्या है, अखबार ऐसा है जिससे हम हमेशा से जुड़े रहे हैं, और आई थिंक उसी के नाते शायद इस फेस्टिवल से भी जुड़ते रहे, और एक कलाकार होने के नाते ये अपॉर्चुनिटी मिली. इस साल मैं गोरखपुर भी गया था जागरण फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, तो बहुत मज़ा आया. तो मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये जुड़ता रहेगा और स्ट्रॉन्ग होगा. थैंक यू.
जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरा ये लगातार तीसरा साल है, मैं इसमें हमेशा शिरकत करता हूँ। इस साल मेरी फिल्म भी इसमें दिखाई गई है, नक्काश, और मुझे बड़ी खुशी है और मैं इसके लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुक्रगुजार हूँ कि वो फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उन शहरों में पहुँची ही नहीं थी क्योंकि बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज़ की गई थी। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से वो 18 शहरों में और घूमी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिली उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। तो मैं इस फेस्टिवल की खूबी यही मानता हूँ कि एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल है और उन जगहों पे पहुँच रहा है जहाँ फिल्म फेस्टिवल का नाम भी शायद लोगों ने कभी नहीं सुना था। न्यू कमर्स के लिए मैं खुद एक न्यू कमर हूँ, हालाँकि उस न्यू कमर को 28 साल हो गए, मुझे भी अभी न्यू कमर हूँ फिर भी मेरा सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना होगा कि हमको लगे रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग एकदम 11वें दरवाजे से वापस आ जाते हैं, ये क्योंकि हम टॉप एंगल से तो देख नहीं रहे, हमको नहीं पता कि बार बार शायद खुल जाएगा, तो इसलिए मतलब कहीं से भी हिम्मत हार के वापस नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि और आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। देखिए, जागरण फिल्म फेस्टिवल जो है वो ये ट्रैवलिंग फेस्टिवल है, अलग अलग सिटीज़ में होता है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल में, और राजीव जी और स्मिता जी जो हैं उन्होंने इनवाइट किया था जोया जी को अवार्ड देने के लिए, तो मैं इसलिए आया जी। देखिए, जागरण फेस्टिवल में जो जीता वही सिकंदर जो मेरी फिल्म थी उसको भी फेस्टिवल के टाइम बुलाया था, और राजीव जी ने सब जो क्रू थे, डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उन सब का एक इंटरेक्शन लिया था हमारे साथ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है, जो 25 साल पुरानी पिक्चरें होती हैं उनको ये बुला के इंटरेक्ट करते हैं कि उस टाइम बनाने के टाइम क्या हुआ, अलग अलग किस्से निकलते हैं, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। और ये अवार्ड भी बहुत ही जेन्युइन और बहुत अच्छा है, द ज्यूरी इज़ वेरी टाइट एंड वेरी एफिशिएंट, सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल गो अहेड। न्यू कमर्स के लिए यही, देखिए आजकल तो फिल्में ही बड़ी नई किस्म की बन रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, और जागरण जो अवार्ड है ये उन फिल्मों को इनक्रेज करता है। तो और इन फिल्मों ये जैसे गली बॉय इस साल अवार्ड मिला है जोया अख्तर को, और न्यू कमर्स को प्रोत्साहन देते हैं, ना कि सिर्फ बड़े बड़े स्टार जो कि अवार्ड के आदि हो जाते हैं, मगर उन एक्टर्स को जो जिन्होंने जेन्युइनली एक स्टैंड आउट काम किया है अपने करियर में अभी इस वक्त, और अच्छी फिल्मों को, सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अभी पिक्चर आने वाली है मोहब्बत है क्या चीज़, और एक जावेद अख्तर साहब के साथ मैंने एक चिल्ड्रन फिल्म की है पंपापुर की, रामलीला, बच्चों की पिक्चर है वो, और भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही है, म्यूज़िक अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम है जागरण फिल्म फेस्टिवल में, और जो JFF है काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय जागरण ग्रुप फॉर द ग्रेट कंटेंट फिल्म्स। जो ग्रेट कंटेंट फिल्म्स है उसको ऑडियंसेस तक किस तरीके से पहुंचाना है, एंड यू नो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल, एंड इट्स देयर वी आर सेलिब्रेटिंग 10 ईयर्स ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल, सो या इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जी, फिल्म बड़ी छोटे होने से कुछ नहीं होता, आई थिंक कॉन्टेंट इज वॉट रियली मैटर्स, सो या दैट्स द एंटायर थिंग। हाँ, यस, हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिजली की तार के लिए, बिकॉज इट्स ऑन ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड, काफ़ी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सो एम रियली हैप्पी। पागलपंती, यस, पागलपंती इज ऑल्सो कमिंग अप, 22nd November को रिलीज़ होने जा रही है, और yeah, great fun with John Abraham, Anil Kapoor sir, the entire team actually, Anees Bazmi sir especially. Ji, abhi hamara ek final promotional song jo by Pritam hoga, wo hum shoot karne wale hain, aur hamara trailer bahut jald October mein release hone wala hai. नहीं, जागरण फिल्म फेस्टिवल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग अच्छी अच्छी फिल्मों को और इंडिपेंडेंट फिल्मों को अलग अलग
गांव देहात स्मॉल टाउन में लेके जाते हैं, इसलिए मुझे जो है जागरण फिल्म फेस्टिवल ये कमाल का लगता है। इसीलिए जागरण फिल्म फेस्टिवल का सही के साथ में जो मेरा रिश्ता है इसलिए बहुत बहुत पुराना है और मैं हमेशा इनको सहयोग करता रहूँगा, क्योंकि जो अच्छी फिल्में होती जो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं या किसी वजह से जो फेस्टिवल की फिल्में होती हैं इनको ये छोटी छोटी जगहों पर जाकर के उसको उसके दर्शक को खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी, नहीं इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जागरण फिल्म फेस्टिवल के कारण छोटी फिल्में छोटी छोटी जगहों पे जाती हैं, वो वहाँ पे अपने दर्शकों को खोजती हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी फिल्में छोटी जगहों पे जा नहीं पाती हैं और जागरण फिल्म फेस्टिवल के कारण सारे देश में घूमती हैं, तो इसलिए जागरण को जागरण फिल्म फेस्टिवल को मेरा पूरा सहयोग है। द फैमिली मैन के साथ में जो हो रहा है, हमें पता था कि ये बहुत अच्छा सीरीज़ बना है, हमें पता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमें पता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी या राइटर्स ने बहुत अच्छी कहानी लिखी, सुमित अरोड़ा और सुमन कुमार ने, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम ये कॉन्फिडेंट थे कि अच्छा करेगा, लेकिन जिस तरीके से इसने शोर मचाया है, जिस तरीके से ये इतना बड़ा हो गया है, इसकी उम्मीद नहीं थी। आज की तारीख में लगता है जैसे कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ फैमिली मैन ही देख रहा है, तो सबको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नहीं मैं सिर्फ इतना कहूँगा थैंक यू वेरी मच, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, वी ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट दे नो पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट, बट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज मतलब जिसे कहें कि अकल्पनीय, और इसके लिए मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं मैं सिर्फ मतलब बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और कुछ एक रिएक्शन मतलब ऐसे हैं कि जो आप बोल नहीं पाते हैं, मतलब शर्मिंदा होते हैं कि उसको बोलते हुए, तो मैं बोल नहीं पाऊँगा उसको, इतनी तारीफ़ें शायद दिमाग ख़राब हो जाएगा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप फैमिली मैन देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू वेरी मच। मेरा रिश्ता दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हो, जब आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप फिल्म रिलीज़ करते हो, तो जागरण ग्रुप और जागरण जो दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम न्यूज़पेपर है नॉर्थ इंडिया में, और दैनिक जागरण फेस्टिवल, क्योंकि उदिता राजीव असीम छाबरा जिस तरह से उन्होंने क्यूरेट किया, उनकी स्पेशल फिल्म वो लोग ला रहे हैं, और जागरण फेस्टिवल इटसेल्फ इतना स्पेशल है क्योंकि वो सारे छोटे छोटे शहर पे तक पहुँचते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बड़े शहरों में फेस्टिवल्स यूजली चलाया जाता है, पर जागरण छोटे छोटे शहरों में लेके जा रही है, ये बहुत ही स्पेशल फिल्म, तो उनका बहुत इम्पोर्टेंट है जी। जी देखिए, मैं अगर लोग मेरे फिल्म के बारे में जानते हैं वो ये जानते हैं कि मेरे सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन जाते हैं, मेरे सारे जो असिस्टेंट्स या तो एक्टर बन जाते हैं, अर्जुन कपूर हो, रणबीर कपूर हो, और माई असिस्टेंट्स हैव बिकम, तो मैं यंगस्टर्स और टेक्नीशियंस और एक्टर्स को बहुत ही अहम बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ कि उनको आगे बढ़ावा दे, और जागरण वही कर रहा है, तो मेरे लिए वो फिट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी कहेगा मरजावा के बारे में वो मिलाप जवेरी कहेंगे, क्योंकि मिलाप फिल्म के राइटर है, डायरेक्टर है, उनके पास वो धासु डायलॉग्स है जिस तरह से वो कहते हैं। 8 नवंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म, बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मिलाप एक्चुअली सत्यमेव जयते के पहले उन्होंने ये फिल्म हमारे पास लेके आए थे,
हमने उस टाइम पे हमने कहा था कि बहुत ही एक्सपेंसिव फिल्म है ये, आप बना नहीं सकते हो, तो हमने सत्यमेव जयते पहले बनाई थी। तो हम चाहते हैं कि लोग आए। म्यूज़िक बहुत ही कमाल का है, टी सीरीज और भूषण जी ने बहुत ही कमाल का म्यूज़िक दिया है। फिल्म जो अभी 2 तारीख को रिलीज़ हो रही होगी म्यूज़िक, फिर उसके बाद होगी होगा बहुत मेहनत की है फिल्म में। तो और रितेश देशमुख बहुत ही कमाल का रोल निभा रहे हैं उसमें। सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरू होगी इस साल के एंड में और वो रिलीज़ हो रही है 2 अक्टूबर अगले साल। मी दिस वंडरफुल पार्ट एंड ऑफ रत्ना एंड आई वांट टू रियली थैंक माय को एक्टर एंड माय पार्टनर इन क्राइम विवेक गोम्बर, जो यहाँ है नहीं, बट विदाउट हिम माय परफॉर्मेंस वुड हैव नॉट हैपेंड एंड विदाउट हिम आई वुडंट हैव वन। So a big big thank you to Jagran for giving me my first award in India, and a big 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 congratulations to my whole team of sir, my director, my producer, my wonderful co-actors Gitanjali Kulkarni and so many others. So thank you so much. Thank you. What do you want to say about this traveling festival? Well, I want to say that, you know, I have had a career for 2 decades doing films that are not backed by huge studios. So to have a film festival that lets your film travel to the very capillaries and small cities of India, it's really the most reassuring and most magnificent thing, because none of my films have had that kind of journey. So I'm really, really, and I also feel Jagran's being a traveling festival and awarding a projectionist today and giving a child actor the best male actor, I think Jagran has taken a step which not too many other film festivals have. And I'm really happy that both my films, Sir and Chintu Ka Birthday, were in this festival and won here. This makes actually Jagran different. Absolutely, absolutely. First award in India, yes. Yes, I've won outside the country but not here, so it's a huge acceptance. And well, it may take you really long to win something, but I think if you really love what you do, then be at it. And just be at it and you know, love yourself, because it's hard. And I really wish you all the very best.